हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ और जैसा कि आप सभी को पता है कि आई एम प्रेग्नेंट। मैंने अपडेट दिया था आप लोगों को और कुछ वीडियोस भी गई है, तो उससे आपको पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने बहुत सोचा था कि मैं ब्लॉग करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, बट मुझसे नहीं हो पाया। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा बहुत कंडीशन ख़राब था 4 मंथ तक। फिर 5-6 ठीक रहा, 7 से फिर से कंडीशन मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो मुझे उतना हिम्मत नहीं होता था कि मैं ब्लॉग करूँ या बनाऊँ। तो 2 मंथ मैंने शॉर्ट्स वगैरह ये सब बनाए, सिटिंग वीडियोस थोड़े बहुत बनाए, और जब मुझे ठीक लगता था तो मैंने बनाया। और क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अप डाउन होती रहती थी, तो मेरा मन नहीं करता था। और मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, तो थोड़ा बहुत काम भी देखना होता था, तो उतने में ही मैं थक जाती थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। और जब तक मैं काम कंप्लीट करती थी तब तक मैं थक जाती थी, तो वीडियोज़ के बारे में तो सोच ही नहीं सकती मैं कि वीडियोज़ भी बनाना है। तो उसके बाद मैं रेस्ट में रहती थी, खाना पीना मैंने अच्छे से बनाया, खाया पिया, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा अप डाउन होती रही। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मेरी मम्मी आई थी, तो वो संभाल के चली गई। फिर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिल के यहाँ तक पहुँचे हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हुए। बट कोई बात नहीं, अभी मेरा 9 मंथ शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 वीक होने वाले हैं 9 मंथ का। तो आज है मेरा फ़ोटो शूट, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैंने सोचा चलो एटलीस्ट आज का एक ब्लॉग कर लेते हैं, ताकि ये यादगार भी रहे और मैं इसे देखूँ। तो आज है मेरा फ़ोटो शूट, बट मेरी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और थोड़ा सा मेरा बीपी बॉर्डर लाइन पे है, तो कभी कभी मुझे ठीक बिल्कुल भी नहीं लगता है। और आज है करवा चौथ, तो मैंने करवा चौथ का फास्ट नहीं रखा है, क्योंकि ये 3rd ट्राइमेस्टर है, लास्ट टाइम है, और डॉक्टर भी सजेस्ट नहीं कर रहे थे कि रखो। थोड़ी सी नहीं, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, कभी ठीक रहती है, कभी नहीं रहती है। हर 1-2 घंटे में मेरा मन चेंज होता रहता है, कब मुझे ठीक लगता है, कब मुझे अच्छा लगता है, ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। और आजकल तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ, रात को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट रहता है, बट फिर भी मुझे फ़ोटो शूट करवाना है। तो मैंने यहाँ पर साड़ी निकाल के रखा है, एक साड़ी में और एक वेस्टर्न ड्रेस में करवाऊंगी। आज मैं जो भी करूंगी आपके साथ थोड़ा थोड़ा क्लिप शेयर भी करूंगी और अपने लिए मेमोरी बनाऊंगी, ताकि मैं इसे कल दिन देख पाऊँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा तो वीडियो, प्रेगनेंसी वीडियोस मैंने नहीं बनाए, एटलीस्ट 1-2 तो बन ही जाए। आई होप कि आज मैं ब्लॉग बना लूँ। तो अभी तक की जर्नी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके अभी तक मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे तो नौजिया था, और उसके बाद मेरा हेडेक रहता था, नौजिया और हेडेक बहुत रहता था, वोमिटिंग लगती थी मगर होती बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद 2nd मंथ से मेरा कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, इतना पेन रहता था कि मैं उठ नहीं सकती थी, बैठ भी नहीं सकती थी, मूव मैं करूँ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। कभी कभी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, और वो पेन अभी तक है मेरे कमर में, बहुत ज़्यादा पेन रहता है, जिसके वजह से मैं चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। ये फिर कुछ देर के बाद ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू रहता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत हो जाती है और चलने से भी पेन रहता है। तो 6-7 कदम चलने के बाद फिर ये नॉर्मल हो जाते हैं, और किसी भी पोजीशन में मैं मूव करूं तो उसमें मुझे कमर पेन बहुत रहता है, करवट लेना भी मुश्किल है, उसमें भी पेन रहता है। तो अभी तक ये पेन मेरा बना हुआ है, जिसके वजह से मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती हूं,
और मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो आपको पता ही है कि कितने जल्दी थक जाते हैं लोग, और मेरी सांस भी बहुत ज़्यादा चढ़ने लग गई है। तो इस वजह से अभी भी मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन है, बट ये थोड़े देर में आराम हो जाता है, जिसके वजह से मैं थोड़ा बहुत काम कर पाती हूँ। और वापस से फिर से ये कमर दर्द शुरू हो जाता है, आराम होता है, शुरू होता है, आराम होता है, शुरू होता है, बस यही चल रहा है। और जिसके वजह से मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, जब मुझे अच्छा लगता है, आराम लगता है, तो मैं काम कर लेती हूँ, और फिर ये वापस से शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से चल रहा है अभी तक। तो मैंने सोचा कि चलो आज फ़ोटोशूट मैं करवा लेती हूँ, नहीं तो फिर ये रह जाएगा। और क्योंकि मुझे करवाना था, मेरा बहुत मन था कि मैं फ़ोटोशूट करवाऊँ, तो आज मैंने ये दिन चूज़ किया है, करवा चौथ का दिन है। अगर मैंने अभी फ़ोटोशूट नहीं करवाया तो फिर ये रह जाएगा। और अभी मेरा 9 मंथ का 1 वीक कंप्लीट होने को है, यानी कि 35 वीक ये कंप्लीट होने को है। 36 के बाद तो कभी भी डिलीवरी हो जाती है, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहना होता है। तो मैंने सोचा फटाफट से करवा लेते हैं, नहीं तो फिर ये भी दिन चला जाएगा। थोड़ा अपने आप को पुश किया है कि नहीं हो जाएगा, करवा लूँगी मैं। वैसे तो थकान बहुत ज़्यादा रहती है, कमर में पेन ऑलरेडी है, और कभी-कभी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट भी फील होता है। लेकिन फिर भी मैं फ़ोटोशूट करवाऊँगी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन है। सो ये था मेरा यहाँ तक का अपडेट, एंड आगे जो भी मैं क्लिप शूट करूँगी वो ऐड करती जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे कैसे फ़ोटो शूट करवाया। एंड ये मेरे लिए मेमोरी भी बनेगा और आप लोग भी देख पाएंगे। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो मुझे खीर की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने बनाया है खीर, और बहुत ही मस्त खीर बना है, तो इसको मैं खा रही हूँ। पता है अभी क्या हुआ? अभी मैं वीडियो शूट कर रही थी, आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी ना, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं रख के वीडियोस बना रही थी, अभी जो मैंने खीर वाली जो क्लिप डाली है, उसके बाद जैसे ही मैंने कैमरा बंद किया ना, ये फ़ोन इसके पीछे गिर गया। और ओ माय गॉड, उसके बाद मेरा दिमाग ना बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ये पलंग ना बहुत ज़्यादा भारी है, इसको मैं हटा नहीं सकती। और इधर से गैप तो बहुत ज़्यादा नहीं था, जिसके गैप भी बहुत ज़्यादा नहीं था, नहीं तो मैं निकाल लेती। फिर मैंने बालकनी में खड़े होकर वेट किया कि कोई दिख जाए मुझे, एटलीस्ट गार्ड भैया दिख जाए तो मैं उसको बुला के कर लूँगी, या फिर मैं अपने पड़ोसी के पास जाती, फिर कॉल करती हस्बैंड को, तब वो आते। फिर मेरी सांस फूल रही है, एक सेकेंड। तो फिर कोई मुझे नहीं दिखा, तो मैंने सोचा कि अब मुझे तो जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर सब टेंशन में आ जाएंगे कि भाई कॉल क्यों नहीं उठा रही है। तो मैं नीचे गई, अभी गार्ड भैया को बुला के लेके आई, तो फिर वो तो उन्होंने मेरी हेल्प करी और फ़ोन निकाल के मुझे दिया। एंड अगर वो नहीं होते तो फिर मैं क्या करती पता नहीं, और सब लोग परेशान भी हो जाते। तो मुझे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी आदत नहीं है, और मैंने ब्लॉग बनाते बनाते देखो क्या हो गया। तो ये एक स्यापा था, एंड अब देखते हैं, ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। अगर इसके बाद का जो अपडेट है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। और